एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अपने कंप्यूटर के बारे में जाने, पार्ट थ्री है। एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन नंबर थ्री आरएसटीईटी के। दिए गए चित्र में खालिस्तान को भरें। यहाँ पे जो खालिस्तान दे रखा है, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये खालिस्तान दिया हुआ है इस जगह। खालिस्तान को कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं इसको? टास्क बार। सही जवाब में आपका आंसर होगा ए, टास्क बार। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी है, तो ऑफिस नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। तो सही जवाब होगा बी। कॉर्टाना किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? एक सर्च इंजन, सर्च बॉक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना किसके कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकता है। सही जवाब होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि मैं आप लोग चाहते हो कि आरएसटीईटी इंपॉर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूट करना कहलाता है। बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है डायग्राम में दिए गए खालिस्तान को नामांकित करें। ये क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है ये क्या है? स्क्रोल बार होता है। ए सही जवाब होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हो? गेम डाउनलोड कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, उपरोक्त सभी कर सकते हो। सही जवाब है, कई बार आरएससीईआरटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। सही जवाब होगा सी। यदि आप कंप्यूटर में कोई भी चीज डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। सही जवाब है सी। दिए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान को भरो। यहाँ दे रखा है इसमें खाली यूजर है, एप्लीकेशन है, क्वेश्चन मार्क है और हार्डवेयर। यहाँ होता है एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही जवाब में आता है बी। सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न दर्शाए गए चित्र किसका उदाहरण है? जीयूआई का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, असत्य कथन को पहचानो। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइल को पा सकते हैं, ये भी सत्य है। पूछा है असत्य कथन को पहचान। यदि आपको कभी जरूरत हो तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हो, ये भी सही है। आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क पर एक स्थान बढ़ा सकते हो, ये गलत है। तो सही जवाब में सी होगा। राइट क्लिक कर रिसाइकल बिन को एम्प्टी रिसाइकल बिन चुन सकते हो, ये भी सही है। तो इसका मतलब सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है यूनिक्स, क्योंकि विंडो में भी ग्राफिक्स है, मैक ओएस में भी है, लिनक्स में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन होते हैं और उस पर दिनांक और समय होता है, क्या कहलाता है? वो होता है सिस्टम ट्रे। सही जवाब में क्या होगा? सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का उपयोग करता है? मल्टीटास्किंग का उपयोग कौन करता है? मल्टीटास्किंग का उपयोग करता है डी, एमएस डॉस मल्टीटास्किंग का उपयोग नहीं करता। 98 में मल्टीटास्किंग है, विंडो एनटी में भी है और एक्सपी में भी है। निम्न में से कौन सा विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? 8 के अंदर नहीं होता। सी सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लाइनेक्स, डॉस, विंडोज, ओरिकल। ओरिकल नहीं होगा। सही जवाब डी होगा। एक खाली स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइल को स्टोर किया जाता है, यानी कि फाइल को जिसमें स्टोर किया जाता है उसे फोल्डर कहते हैं। सही जवाब होगा आपका डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है स्टार्ट बटन? एप्लीकेशन लॉन्च करना सही, डिवाइस सेटिंग बिल्कुल सही, सिस्टम को बंद करना बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। जब 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी से जाते हैं, डायरेक्टरी ले जाते हैं, तो क्या होता है? ए और बी दोनों होता है, यानी कि निर्देशित के अंदर की सभी फाइल स्थानांतरित हो जाती हैं निर्देशिका के, बिल्कुल सही। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चली जाती हैं, यानी कि अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर की सारी फाइल भी ट्रांसफर होती है और उसके अंदर सब डायरेक्टरी है जो उसके अंदर की जो सब डायरेक्टरी वो भी ट्रांसफर होती है। तो सही जवाब में क्या होगा? डी होगा, ए और बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान को स्कैन करता है। सही जवाब में होगा OMR। तो इस तरीके से तीसरे लेसन में आपने 18 क्वेश्चन किए, इनमें से दो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।